हाय गाइस, कल के वीडियो के नीचे किसी ने ये कमेंट किया था कि मुझे क्लियर स्किन चाहिए, मेरे चेहरे पे मोल्स है और उसे निकालने का कोई तरीका बताइए या कोई वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो खास इस पर्सन के लिए है। यहाँ मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले ऐसी कोई रेमेडी नहीं है, कोई होम रेमेडी नहीं है जिससे कि आप अपने फेस से इन मोल्स को, तिल को निकाल सके। और दूसरी बात, एक लेज़र टेक्निक अवेलेबल होती है जिससे कि आप अपने मोल्स को चेहरे से हटा सकते हैं, लेकिन वो टेक्निक 100% गारंटी नहीं करती है कि वो मोल्स निकल जाएंगे। तो इस केस में मैं आपको सिर्फ यही सल्यूशन देना चाहती हूँ कि देखिए, ये जो शरीर है, हमें जो मिला है, ये हर एक का अलग अलग है। वो इसलिए क्योंकि हमारे संस्कार अलग अलग है। जैसी संस्कार हम ले करके आते हैं ना हमारे प्रीवियस बर्थ से, उसी अनुसार हमारा ये शरीर बनता है। तो सबसे पहले तो आप ग्रेटफुल होइए कि वाओ, आपको इतना अच्छा शरीर मिला है, इतनी अच्छी स्किन है। कई लड़कियाँ तो खास अप्लाई करती है तिल को कि वो दिखाई दे मेकअप के दौर कि उनके फेस पे तिल है, बट आपको अगर वो कुदरत की देन है, आपको ऑलरेडी वो चीज़ है एज अ नेचर्स गिफ्ट, तो उसको एडोर करें, उसको प्यार करें, उसको एक्सेप्ट करें आप जैसे हैं वैसे। कुछ चीज़ें ना हम बदल नहीं सकते हैं, लाइक हमारे अपीयरेंसेस, हमारे फीचर्स, हमारे कलर, हाँ हम केयर कर सकते हैं लेकिन हम उन्हें बदल नहीं सकते, ये कुदरत की देन है हमें। तो हमें बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम जिस भी स्किन में हैं। और बिलीव मी, आप खुद को एम्ब्रेस करें, आप जब भी मिरर में खुद को देखें तो खुद को एम्ब्रेस करें, गले लगाए, एक्सेप्ट करें। जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा ना खुद की स्किन को लेकर के, तो वो बाहर रिफ्लेक्ट करेगा आपके हर इंटरेक्शन में, और हर कोई आपको उसी नज़रिए से देखेगा जिस नज़रिए से आप खुद को देखती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आज से अपना जो पर्सपेक्टिव है अपनी स्किन को लेकर के, उसे बदल दीजिए। एक्सेप्ट करें कि आपकी स्किन बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि हम में से हर कोई ना अपने एक अलग तरीके से ब्यूटीफुल है। हमारा नॉट नेसेसरी में एक दूसरे से ज़्यादा ब्यूटीफुल होनी चाहिए, बट हम अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और इस चीज़ पर फोकस करें। ये तो एक कॉस्ट्यूम है ना जो कि हमें अलग अलग मिले हैं पार्ट, और वो रोल प्ले करने के लिए जिस रोल में हम हैं, तो इसको, इस पर ना ज़्यादा फोकस करके आप उस ओरिजिनल प्योरिटी पर अपने फोकस करें जो हम हैं। हम वो डिवाइन प्योर एनर्जी है ना, तो हम ओरिजिनली तो सभी ब्यूटीफुल है, एक्चुअली है, और बॉडी वाइज भी हम सभी ब्यूटीफुल है, अपने ओन वे में है। तो इस चीज़ को ना आप एम्ब्रेस करें, खुद से बेहद प्यार करें, और देखिए फिर ये यूनिवर्स भी आपको वही रिफ्लेक्ट करेगा आपकी पूरी लाइफ में। ठीक है, दिस इज ऑल, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन, लव यू ऑल एंड टेक केयर, बाय।